और अब स्पेशल रिपोर्ट की कर रहे हैं शुरुआत, जहां बीती रात जब हम और आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपने तमाम अधिकारों के साथ चैन से सो रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे एक पड़ोसी मुल्क में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए छटपटाहट की सारी हदें पार हो गई। लोग सड़क पर आ गए और अभी भी सड़क पर मौजूद हैं। बीजिंग हो या वुहान, शंघाई हो या शिनहुआ, हर जगह एक ही मांग, डिक्टेटर्स देश छोड़ो, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बेहिसाब सख्त कोविड नियमों की ही वजह से चीन में लोग काफी परेशान हैं और अब आक्रोश की ज्वालामुखी की शक्ल में ये फूट पड़ा है। सबसे पहले आपके सामने चीन के अलग अलग शहरों के 10 वीडियो होंगे, जहां देखिए कि किस तरीके से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। चीन में लोग कितनी शिद्दत से अब लोकतंत्र की जरूरत को समझ रहे हैं। अब सबसे पहले आपके सामने ये वीडियोज, जहां देखिए किस तरीके से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। शी की सत्ता हिल चुकी है, क्योंकि मुद्दा है बे इंतहा कोविड सख्ती और मांग है डिक्टेटर्स नहीं डेमोक्रेसी चाहिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अब देखिए पहली बड़ी बात, जहां हजारों लोग बड़ी संख्या में सड़क पर आ चुके हैं और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चीन के चेंगदू का ये पहला वीडियो आपके सामने है, जहां पर हजारों लोग जब सड़क पर आ गए तो देखिए किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब दूसरी तस्वीर बीजिंग की तस्वीर आपके सामने, चीन की बीजिंग राजधानी के लियांगमा ब्रिज पर जबरदस्त प्रोटेस्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी के लियांगमा ब्रिज पर लोग पहले एकजुट हो गए और उसके बाद आवाज कैसे बुलंद की, ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने चीन की बीजिंग की ही है। इसी तरह के हालात अब शंघाई में भी नजर आए हैं, क्योंकि शंघाई में जो स्थिति है वहां पर तो प्रदर्शनकारियों ने सीसीपी सत्ता छोड़ो के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये तीसरी तस्वीर आपके सामने चीन के शंघाई की है, जहां पर सड़क पर उपद्रव हो रहा था। हालांकि यहां पर हालात को काबू में पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन लोगों की इस बीच बड़ी मांग थी। अब बीजिंग से ही एक और तस्वीर, राजधानी में आधी रात को जब सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी थे, वही तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा वुहान से भी तस्वीरें आई हैं। 10 ऐसी तस्वीरें आज आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा, जहां चीन के हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर अब सत्ता के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद हो चुकी है। और वुहान में देखिए बरसात के बीच साइलेंट प्रोटेस्ट यहां पर जारी रहा, तो विरोध करने के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं लोगों की तरफ से। एक तरफ जहां लोग कहीं मार्च निकालते हुए नजर आए, वहीं अब ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखा कि किस तरीके से बरसात के बीच साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। अब शंघाई की तस्वीर भी आपके सामने होगी, ये छठी, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में लोग यहां पर नारे लगाते रहे और सत्ता से हटाने के नारों के बीच लोगों का ये प्रोटेस्ट इसी तरह से घंटों शंघाई में भी जारी रहा। इसके अलावा शिनहुआ यूनिवर्सिटी, ये एक महत्वपूर्ण जगह इसलिए क्योंकि यहां पर ज्यादातर छात्र नजर आए और छात्रों ने जिस तरीके से एकजुट होकर यहां पर आवाज बुलंद की, नारे लगाए अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है, ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर यूनिवर्सिटी में भी छात्र एकजुट हो गए। अब शंघाई की एक तस्वीर देखिए, बस में डालकर यहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस कैसे खदेड़ती हुई नजर आई, ये देखिए ये अंदर की तस्वीर। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो पहले इन सभी प्रदर्शनकारियों को बस के अंदर तो ले जाने में ही कामयाब रहे, लेकिन अंदर जैसे ही सीट पर इनको पटका जा रहा है, यहां पर पुलिस की ये पिटाई की तस्वीरें बस के अंदर से सामने आई हैं। अब शिनहुआ यूनिवर्सिटी की ही एक और तस्वीर आपके सामने जरूरी, क्योंकि 1989 के बाद पहली बार कैंपस में ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा गया है। तो कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर, परिसर हर तरफ की कुछ ऐसी ही तस्वीर, जहां पर प्रदर्शनकारी एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए, बैनर्स लिए, ये तमाम स्टूडेंट्स अब सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बीच वुहान से भी तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देर रात तक हजारों लोग कैसे सड़क पर रहे, वो तस्वीर देखिए। हर तरफ जहां नजर जा रही है वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और यहां पर मुद्दा क्या है, शी की सत्ता हिल चुकी है, मुद्दा है बे इंतहा कोविड को लेकर सख्ती और मांग इन सभी की डिक्टेटरशिप नहीं डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये 10 बड़ी तस्वीरें और 10 वीडियो आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाए, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ चीन में किस तरीके से भारी विरोध हो रहा है और चेकिंग की मजबूरियों से ही अब परेशान होकर चीन की गिरती अर्थव्यवस्था पर भी लोगों का गुस्सा अब फूटता जा रहा है।
कोरोना के खिलाफ शंघाई में लोगों पर सख्ती जारी है। सख्ती ऐसी है कि लोगों को जबरन चेकिंग करानी पड़ रही है। लोग अभी भी लाइन लगाकर कोविड टेस्ट कराने को मजबूर है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो या फिर बाजार हो, हर कहीं आज यहाँ कोविड के खिलाफ एक्शन जारी है। जाहिर है कोविड के खिलाफ जिस तरह से चीन ने अब तक मुहिम जारी रखी है उससे न केवल चीन के लोग परेशान हैं, बल्कि चीन के लोगों की आर्थिक हालात भी गिर गई है। कामकाज के प्रभावित होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर दिन रात लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग जिनपिंग पर हालात संभालने में फेल होने का आरोप लगा रहे हैं, जिनपिंग पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग भले ही महिमा मंडन में लगे हों, लेकिन हालात चीन के कुछ और हैं। उसकी आंतरिक ताकत कमजोर होती जा रही है। आपको बता दें कि कोविड का जनक चीन को ही कहा जाता है। जिस तरह से वुहान में फैला ये वायरस दुनिया भर को तबाह कर गया, दुनिया के कई देश अब इससे लगभग उभर चुके हैं। चीन अब भी इसकी मार झेल रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।